बात हो गई कमेंट और इंडेंटेशन की, अब बात करते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स क्या होते हैं यार, हम मैथ्स में इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? उस वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो वो क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं इसको, अब यार हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेफिनेशन की, जनरल डेफिनेशन की, तो क्या बोलेंगे आप? अ वेरिएबल इज समथिंग, सॉरी, अ वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम। एज सिंपल एज दैट। बात क्या हो गई यार, ये तो समझ में आ गया वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब क्या है? देखिए अगर मेरा कोई प्रोग्राम है, मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है? मेरा वेरिएबल है यहाँ पर a, a मेरा वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू कौन सी जा रही है? 10, ये हो गई आज की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? a और उसकी वैल्यू है 10। अब बात आती है कि यार हम a इक्वल्स टू 10 दे तो रहे हैं, लेकिन पीछे क्या हो रहा है? पीछे की बात तो बताइए। तो देखिए अगर ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्पेस होता है और वो आपके ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सपोज इस ब्लॉक की मेमोरी का एड्रेस है 2001, इसका है 2002, इसका है 2003 एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मेमोरी होती है उसकी कुछ एड्रेस होता है जो कि ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड होता है, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही a इक्वल्स टू 10 डिफाइन किया, तो यहाँ पर यार इसने देखा कि यार मेरे को a इक्वल्स टू 10 जो है वो मेमोरी के अंदर डालना है, तो मेमोरी के अंदर क्या चला गया? वेरिएबल चला गया। क्या चला गया? उसकी वैल्यू चली गई जो कि फिक्स है, इक्वल्स टू 10। अब बात आती है कि यार मेमोरी लोकेशन है नेम मेमोरी लोकेशन, तो मैंने बता दिया। अब बात आ रही है कि मैंने यहाँ कहा कि यार वैल्यू जो है वो चेंज होती है ओवर द टाइम। तो अगर मैं सपोज एक प्रोग्राम बना देता छोटा सा, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं a इक्वल्स टू 10 प्रिंट वैल्यू ऑफ a, सपोज ये देता हूँ, ठीक है, या हम देते हैं प्रिंटर, अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं देता हूँ प्रिंट a, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ a इक्वल्स टू 20 और फिर मैं देता हूँ प्रिंट a। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए उससे पहले a का वैल्यू 10 डिफाइन हो रहा है और वो मेमोरी लोकेशन में यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एज जनरल। ठीक है, फिर इसने कर दिया a। अब इसने देखा यार एक स्टेटमेंट आया, a की वैल्यू तो क्या हो रही है, 10 से 20 हो रही है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर a का वैल्यू 10 से क्या कर दिया, 20 कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो रही है जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अगर मैं बात करूँ पाइथन की, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेमोरी लोकेशन में पाइथन की। तो पाइथन यार क्यों खूबसूरत है बताता हूँ आपको। पाइथन में ऑलरेडी जो मेमोरी लोकेशन है ना वो इस तरीके से डिवाइड होती है, उसमें ऑलरेडी वैल्यूज डिफाइंड होती हैं। ऐसे वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं और हर वैल्यू का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये पाइथन का मेमोरी लोकेशन का मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट बना के बता रहा हूँ। तो अगर मैं पाइथन के अंदर यार करता हूँ a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a इक्वल्स टू 10, तो ये a को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहां पर 10 वैल्यू है। फिर इसने क्या किया यार a इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, वहां पर क्या हो रही थी, रिप्लेस हो रही थी। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये उठ के चला जाएगा 20 ढूंढने का कहाँ है, और a इक्वल्स टू 20 कर देगा। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिप्लेस नहीं कर रहा वैल्यूज को, ये देख रहा है वैल्यू कहाँ पर है, उसके हिसाब से ये अपना जो वेरिएबल है उसको एलोकेट कर रहा है। सिंपल एज दैट। नहीं बात समझ में आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से समझाऊंगा ये बात। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन के अंदर जो है आपकी नेम मेमोरी लोकेशन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जहाँ पर आप वो वैल्यू देखेंगे वहाँ पर वो वेरिएबल को डिफाइन करता है। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो रिप्लेस होगी। समझना एक बार, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है वापस समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पाइथन में वेरिएबल्स किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्विकली देख लेते हैं कि यार किस तरीके से जो है वेरिएबल्स जो हैं आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यार ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, तो हम देख लेते हैं यार किस तरीके से ये अलग हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी वही फाइल खोल लेता हूँ डेस्कटॉप पे जा करके, टेस्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पर अपन जो है कोड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है वेरिएबल क्या होता है। ए इक्वल्स टू 10 अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पर ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब जो ए वेरिएबल है वो उसकी कोई एक मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पर वो आपकी मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, तो एक एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो एड्रेस हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं अपने कंसोल के अंदर। तो अगर यहाँ पर देखो तो एक मेथड पाया जाता है हैक्स आईडी करके। ठीक है, तो अगर मैं हैक्स आईडी ऑफ ए लिखता हूँ तो क्या होता है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, रन मॉड्यूल किया मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ यार हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई है। तो ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जहाँ पर आपका वेरिएबल ए है वो स्टोर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ए बी इक्वल्स टू 20 और फिर मैं ट्राई करता हूँ बी का एड्रेस प्रिंट करने की, तो आपको क्या लगता है कि सेम आएगा डिफरेंट आएगा? पॉज करो वीडियो, सोचो कि सेम आएगा डिफरेंट आएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखा यार आपने ए का भी एड्रेस आ गया, बी का भी एड्रेस आ गया, तो ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बोथ आर रेफरिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़। ए आपको 10 को रेफर कर रहा है, बी जो है 20 को रेफर कर रहा है, सो दे आर स्टोर्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, बात आ गई समझ। ठीक है, अब बात आती है सी की। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी मैं अगर करता हूँ और फिर सी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ एड्रेस, तो क्या आता है, तो क्या आएगा, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? तो देखिए मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये भी डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए का वैल्यू 30 है जो कि आपका डिफरेंट है ए और बी से। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी की, तो मैं सबको 10 10 10 वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अब बताइए कि इसका जो सोल्यूशन है जो प्रिंट आउट होके आएगा वो क्या आएगा। देखिए, तो मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो देखिए हमारे को यहाँ पर सेम वैल्यूज़ मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए आपका 10 है, बी आपका 10 है, मतलब आपका वेरिएबल्स की सेम वैल्यू है, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे जा कर के स्टोर होंगे, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन ये निकलता है कि और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो आपका मेमोरी लोकेशन है वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन पाइथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू पे मेमोरी लोकेशन डिपेंड कर रही है। अगर आपका वैल्यू सेम है तो वो वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हो गई कि वेरिएबल्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यार पढ़ाई कीजिए, ध्यान लगाइए, इजी है, कुछ नहीं, अपन इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।